जी नमस्कार, गुड इवनिंग आप सब लोगों को हमारा. हम सभी कह सकते हैं युवाओं की तरफ से, क्योंकि घराना जैसा कि ये पहले तो इंडिया हैबिटेट सेंटर इतना एक ये बड़ा वर्क है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि घराने का कंट्रीब्यूशन आज के वक्त में घराने को वो बीच में का कार्यक्रम वो कर रहे हैं कि क्या घराना इज, व्हाट इज़ घराना. तो उसके लिए तो अभी हम लोग बहुत छोटे हैं. जो संगीत की जो उम्र है और जो आगे जिसकी कोई उम्र ही नहीं है संगीत की, तो उस लिहाज से, उस हिसाब से देखा जाए हम बहुत यंग हैं. और अगर जहाँ तक घराने की बात रही तो ये हम लोग तीनों का, दिनेश हमारे फादर साहब के स्टूडेंट हैं तो ये भी हमारे घराने से ही अब हैं. तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसा घर मिला, बच पैदाइश मतलब बॉर्न ऐसे हुए हम ऐसे घर में कि हमें एक, हम पे एक वो लगा कि टैग हुआ कि आप एक घरानेदार कलाकार हैं. तो जो घराने की खासियत होती है, घराना परंपरा, हमारा परम, हम परंपरा ज़्यादा इसको बोलते हैं अपने घराने को. थोड़ा वॉल्यूम कम कर देंगे इसका हल्का, क्योंकि परंपरा जो होती है वो रीति रिवाज होती है. तो हमारा जैसा पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज ध्रुपद परंपरा हम बोलते हैं, तो ये 400 वर्ष जैसा कि आशीष जी ने बोला पुरानी है, ओल्ड है. और एक से एक इसमें हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स हुए हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा योगदान है हर एक स्टाइल में, ध्रुपद पखावज के स्टाइल में. जैसे लयकारी, उस ध्रुपद के जो शब्द हैं उसकी लेख, तो इन सब में उनका एक अलग कंट्रीब्यूशन. और पखावज और ध्रुपद की जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत ही उनका क्लोज है, जैसे कह सकते हैं भाई बहन का रिलेशन होता है. आपस में दोनों का समानता जो है वो बराबर है. तो ध्रुपद, सबसे पहले मिलन जी आपको बताएंगी ध्रुपद के बारे में और कैसे ये ध्रुपद हमारे घराने में, कैसे ध्रुपद का आया, कब आया और क्या खासियत थी हमारे यहाँ और कैसे हम गाते थे, हमारे बुजुर्ग कैसे गाते थे ध्रुपद. मिलन उपाध्याय. नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग एवरीवन. सो आई एम गोइंग टू गिव ब्रीफ अबाउट ध्रुपद. व्हाट इज ध्रुपद? द क्वेश्चन इज व्हाट इज ध्रुपद, वेयर इट कम्स फ्रॉम. Dhrupad is a very ancient gayaki which is coming from god times, jise hum adikal keh sakte hain, and this word Dhrupad is from English. Dhruv means achal, fixed, which we cannot move anywhere, and pad मीन्स पोइट्री, जो हमारे ब्रह्मा जी ने लिखा है पद, वो पद जो हमारी देवी देवताओं पे आधारित हैं, उनकी लीलाओं पे उन्होंने जो, उनके गुणगान जो किए जाते हैं, सारे शब्द सब कुछ उनके बारे में आता है उस पद में. तो ये ध्रुपद है.